स्वागत है। आज मैं आप लोग को लेकर आ रही हूँ एवरीडे मेकअप लुक। सो मैंने सोचा कि आज मैं एक बहुत ही एवरीडे लुक वाले ही कपड़े पहनकर आती हूँ। जैसे आप देख रहे हो, मैंने एक सिंपल सी टी शर्ट पहन रखी है और आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ सिर्फ मेकअप लुक के ऊपर। नो ब्लॉगिंग, नो कुछ, नो बच्चा पार्टी, नो अदर मेंबर्स, सिर्फ मेकअप। टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। At the very first, I'm going to use Rio Herbs का papaya face toner. This is good for all skin types. और इसके अंदर है papaya saffron carrot extract, which is good for the brightens, lightens and even tones the overall complexion. Guys, the second product is Dotten की का है। आपको सारे के सारे जो इसके नाम है वो उल्टे ही नजर आएंगे, as मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दे दूंगी। गाइस, दिस इज माय फेवरेट मॉइस्चराइजर एंड इट हैज अ गुडनेस ऑफ विटामिन सी प्लस विटामिन ई एंड इट्स रियली गुड फॉर ऑयली स्किन। ये मॉइस्चराइजर मुझे कोलैबोरेशन में मिला था, बट इट्स रियली रियली गुड। इस मॉइस्चराइजर में कोई भी चिप चिप नहीं है जो ऑयली स्किन को अच्छी ना लगे, और इसके अंदर लिटिल बिट सा एक सिट्रिक सा फ्लेवर है जो इसकी खुशबू है वो सिट्रिक सी है, वो बहुत मज़ा आता है उसको लगाने। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन कलर पीच ग्लो परफेक्ट। गाइस, ये ऑरी फ्लेम का है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये कोई सीसी क्रीम नहीं है, कोई बीबी क्रीम नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ये बिल्कुल ही इसका मॉइस्चराइजर जैसा टेक्सचर है, लेकिन ये सीसी क्रीम जैसा लुक देता है। सो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, और इसके अंदर एक हल्का सा शीन है जो कि आपके फेस को ब्राइटन कर देता है, बिल्कुल एक ग्लो सा दे देता है आपके फेस को। मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और अब तो इसकी पैकेजिंग भी चेंज हो गई है। जो मैं आपको अभी पैकेजिंग दिखाई है, इसकी न्यू पैकेजिंग है। एज आई टोल्ड यू, ये बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह है, तो आपको इसको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना, बहुत ही ईजिली ये लग जाएगा, और ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ भी नहीं लगाया, इतना लाइट है ये फेस के ऊपर। गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कंसीलर। स्विस ब्यूटी के कंसीलर जो है वो अफोर्डेबल ब्रांड में सबसे बेस्ट कंसीलर्स हैं, और आई थिंक स्विस ब्यूटी का ये बेस्ट सेलर्स में भी आते हैं। इसकी जो कवरेज है वो बहुत बेहतरीन है। आपको जहाँ जहाँ लगता है ना कि आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, जैसे मेरा चिन एरिया पिगमेंटेड ही रहता है, तो आप वहाँ पर इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, और अपना जो आई एरिया है उस पर आप 30 सेकेंड या 1 मिनट रुककर फेस को ब्लेंड करना शुरू करो ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। एंड ट्राई टू अप्लाई इट विद वेरी वेरी सॉफ्ट हैंड्स। इफ़ यू आर ए बिगनर देन गो फॉर दिस कंसीलर, दिस इज़ द बेस्ट वन। This is my all-time favorite MAC Studio Fix Compact. ये compact कम foundation में आता है। इसकी जो coverage है वो बहुत 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 अच्छी coverage है। If you don't want to use any foundation, जैसे कि अभी बहुत ही summer है, बहुत गर्मी है, चिप चिप वाला मौसम है, तो उसको आप directly moisturize के बाद भी use कर सकते हो। I never ever skip this product. I love it. Now it's a turn of my eyes. I'm going to use Wet n Wild Color Icon. बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है। मैंने इसको 50% ऑफ में लिया था, और मैं ये दो शेड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज पिंक कलर पहन रखा है, और ये बहुत ही सेटल लुक देगा इसको एज इट इज़ ए एवरीडे लुक। आई शेडो यूज़ करने के टाइम पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि एक्स्ट्रा पाउडर आपको डस्ट करके फिर आइज़ पर अप्लाई करना है, वरना वो सारा का सारा आपके चीक्स पर आ जाएगा। और इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू ब्लेंड इट, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ले आऊँगी। नाउ यू कैन सी कि कितना सेटल लुक आया है। अगर आपको कहीं भी मॉल जाना है, कहीं मार्केट जाना है, किसी के घर में जाना है, तो आप इजीली दोनों कलर्स अप्लाई कर सकते हो। गाइज, नाउ आई कम टू स्विस ब्यूटी पॉप आई स्टाइल लाइनर विद द 8 आवर स्टे। मुझे ये दो कलर पसंद है, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आज पर्पल ट्राई करती हूँ एज आई एम वेयरिंग पिंक। Guys, it was little difficult for me to apply liner in front of camera. So, मैं back में mirror पे गई और अपना liner अपने हिसाब से लगा कर फिर आई हूँ। Then I come to Lakme Iconic Kajal. As मैंने आपको बताया, मुझे eye makeup करना बहुत पसंद है, और ये kajal बहुत अच्छा है। You can see एक ही apply में jet black shade आ गया है। इसका pigmentation बहुत बहुत अच्छा है। इस काजल के साथ मैं बहुत सारी अलग अलग टेक्निक के आई मेकअप करती हूँ। मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी उसके ऊपर भी। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है कम टू मस्कारा। मस्कारा में मेबेलिन न्यूयॉर्क के द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा इज़
गुड वन आई डोंट वॉन्ट टू से दैट इज बेस्ट वन, लेकिन ये अच्छा है और बहुत अच्छा है ये। आई थिंक एवरी डे लुक में आपको आईलैशेज जो फेक आईलैशेज होती है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप मस्कारा लगा सकते हो और उसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही सुंदर आता है, आपकी आईलैशेज बहुत सुंदर लगती है अगर आपने सही तरीके से लगाया हो उसे। तो अब मैं आ गई हूँ शुगर के आर्क अराइवल प्रो डिफाइनर आईब्रो पेंसिल। गाइस आईब्रो को डिफाइन करना अपने आप में एक आर्ट है, मुश्किल नहीं है लेकिन लिटिल बिट ट्रिकी है और इसको एक डेडिकेटेड वीडियो की ज़रूरत भी है आई थिंक सो। लेकिन अगर आपको आईब्रो डिफाइन करने नहीं आते हैं अच्छे से तो आप ये वाला जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ शुगर का, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है और परफेक्ट शेप में है और इसके साथ स्पूली भी ऑलरेडी अटैच्ड है। अब मेरा हो गया आई मेकअप बिल्कुल डन एवरी डे लुक के हिसाब से। नाउ वेलकम टू माई ब्लशर, आई एम यूजिंग लॉरियल पैरिस प्ले विद मी नंबर 10। बहुत ही अच्छा ब्लशर है, क्यूटी सा है, छोटू सा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है और हल्की सी शीन भी देती है। मुझे नॉर्मली क्रीम ब्लशर्स पसंद हैं बट समर में क्रीम ब्लशर्स मत यूज़ करो, समर में ज़्यादातर पाउडर ब्लशर्स ही यूज़ करो एज़ की क्रीम ब्लशर जो होते हैं वो और ज़्यादा ऑयली इफेक्ट दे देते हैं फेस पर। सो गाइज माई लास्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी का बिट क्लॉस, दिस इज प्लम अप बिट क्लॉस, शेड नंबर इज 05, मोव मूव इसका नाम है। बहुत अच्छा ग्लॉस था, स्टे ऑन अच्छा था। मैं आज मॉल में जा रही थी, मॉल में जाके हम घूमे, थोड़ा सा खाना खाया, 3-4 घंटे स्पेंड किए, घर आने के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा ग्लॉस अभी तक स्टे ऑन में था। सो इसका स्टे ऑन 4-5 आवर्स का स्टे ऑन है इसका, और इसका सब जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, इट्स ओनली ऑफ 249 रुपीज़, नॉट बैड। सो नाउ आई एम रेडी टू गो। गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैं बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग के लेकर आ